नए टोले कर के ओ मेरे मन के प्यार के। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मिनाज, हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज फिर से मैं एक मूवी सुनील लोकेशन दिखाने के लिए मुंबई के नए लोकेशन में मौजूद। दोस्तों आज मैं आपको दिखाने वाला दोस्तों गीत मूवी का शूटिंग लोकेशन। दोस्तों वो मूवी में दोस्तों एक सॉन्ग होता है दोस्तों, वो सॉन्ग की शूटिंग लोकेशन दिखाने वाला हूं दोस्तों। जहां मूवी दोस्तों 1992 में रिलीज हुई थी दोस्तों, रिलीज डेट के हिसाब से करीब 33 साल के बाद वो शूटिंग लोकेशन दिखाने वाला हूं दोस्तों, जहां पे वो मूवी का जो गाना था दोस्तों, वो गाने का जो गार्डन दिखाया जाता है दोस्तों, वो गार्डन का सारा सीन आज मैं आपको दिखाने वाला हूं दोस्तों। दोस्तों वो मूवी में दोस्तों दिव्य भारती जी नज़र आए थे दोस्तों और अविनाश वर्धमान नज़र आए थे दोस्तों, और वो मूवी में दोस्तों बहुत ऐसे कलाकार थे दोस्तों जो वो मूवी में मुंह भूमिका निभाए थे दोस्तों, और वो मूवी का सॉन्ग जहाँ पे रिकॉर्ड किया गया था दोस्तों, वो सीन आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ दोस्तों। वो गाने का जो सीन था दोस्तों यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया था, जहाँ पे अभी मैं मौजूद हूँ दोस्तों, आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हो दोस्तों, जो केले का आपको पेड़ दिख रहा है दोस्तों, ये सीन दिखाया जाता है दोस्तों मूवी में, और यहाँ पे वो सेटअप लगाया जाता है दोस्तों जहाँ पे वो गाने का सीन रिकॉर्ड किया गया था दोस्तों, और यहाँ पे बहुत सारे सेटअप लगाए जाते हैं दोस्तों, और ये सब आपको पेड़ से मिला सकते हैं, मैच कर सकते हैं दोस्तों, ये दिखाया जाता है वो मूवी में दोस्तों, जहाँ पे मैं अभी मौजूद हूँ दोस्तों। करीब 33 साल के बाद वो शूटिंग लोकेशन दिखाने वाला दोस्तों। और एक चीज़ आपको और बता देता दोस्तों, जब ये मूवी रिलीज हुई थी दोस्तों, रिलीज डेट के एक साल बाद ही दिव्य भारती जी दुनिया को अलविदा कह गए थे दोस्तों, और वो आज भी दिव्य भारती के चाहने वाले, आज भी दिव्य भारती के जो फैंस हैं दोस्तों, आज भी दिव्य भारती को याद करते हैं दोस्तों, और आज भी दिव्य भारती के जो मूवी है दोस्तों वो देखते हैं दोस्तों। तो सीन यहाँ पे रिकॉर्ड किए गए थे तो जहाँ मैं अभी मौजूद हूँ दोस्तों, और यही गार्डन, इसी गार्डन में वो सारा सीन रिकॉर्ड किए गए थे दोस्तों वो सॉन्ग का, जहाँ मैं अभी आपको दिखाने वाला दोस्तों। ये जगह का नाम है दोस्तों छोटा कश्मीर, और ये दोस्तों गोरेगांव ईस्ट में पड़ता है दोस्तों, और यहाँ गोरेगांव स्टेशन से थोड़ा सा दूर में ये गार्डन का नाम है दोस्तों छोटा कश्मीर, और यहाँ पे आने के लिए 5 रुपये का टिकट लगता है दोस्तों पर पर्सन के लिए, और ये गार्डन में वो गाने का सीन रिकॉर्ड किया गया था दोस्तों, और इसका जो बाकी का पार्ट था दोस्तों इसी गार्डन पे आगे पे लिया गया था, वहाँ भी हम चलेंगे दोस्तों आगे, और आगे चल के वो दिखाएंगे दोस्तों आपको स्क्रीन शॉट पर। तो दोस्तों बने दोस्तों वीडियो में, और आपसे अनुरोध करता हूँ दोस्तों की वीडियो में नहीं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में बेल आइकन घंटी को दबा दें, ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा दोस्तों। दोस्तों आगे चलते हैं और वो आगे का सीन आपको मैं दिखाता हूँ दोस्तों, बने दोस्तों वीडियो में चलते हैं आगे। तो दोस्तों एक सीन यहाँ पे दिखाया जाता है दोस्तों, जहाँ पे आप देख रहे हैं दोस्तों नीचे में जेट का जो डिज़ाइन दिखाया जाता है दोस्तों, वो दिखाया जाता है दोस्तों मूवी में। अभी वहाँ हम नीचे नहीं जा रहे दोस्तों, क्योंकि मेरे पास मैक सेटअप नहीं दोस्तों, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है दोस्तों, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रहा है दोस्तों, इसीलिए हम वहाँ नीचे नहीं जा रहे दोस्तों। और यहाँ से आपको दिखा रहे दोस्तों, वो जो आपको दिख रहा है दोस्तों गेट, वो दिख रहा है दोस्तों, वो दिखाया जाता है मूवी में दोस्तों। और ये सारा सीन दोस्तों, ये जो गाने का सीन था दोस्तों, इसी गार्डन पे लिया गया था, जहाँ मैं अभी मौजूद हूँ दोस्तों। और यहाँ पे आज मैंने आपको दिखाया गीत मूवी का शूटिंग लोकेशन दोस्तों, जो दोस्तों करीब 33 साल के बाद वो शूटिंग लोकेशन यहाँ दिखाने के लिए आया था दोस्तों। और जब वो मूवी शूटिंग हुआ था दोस्तों, तो उस टाइम वो गार्डन बहुत ही अच्छा था दोस्तों, और अभी दोस्तों ये गार्डन में कुछ देख रेख नहीं होने के कारण यहाँ वो गार्डन में, ये गार्डन अभी देखने में उतना अच्छा नहीं लगता है दोस्तों। लेकिन यहाँ पर आने का अभी भी 5 रुपया एक पर्सन का टिकट चार्ज लगता है दोस्तों, और यहाँ पर हम लोग आए तो 5 रुपये टिकट चार्ज दे के यहाँ पर अंदर आए दोस्तों, और यहाँ पर वो गार्डन में वो गाने का सारा सीन रिकॉर्ड किया गया था दोस्तों। तो फाइनली दोस्तों आज हमने आपको दिखाया गीत मूवी का सुनने को सुन दोस्तों, जो करीब 35 साल पहले यहाँ पे दिव्य भारती जी जब इस दुनिया में जिंदा थे, उस टाइम यहाँ पे आए थे वो गाने का सीन रिकॉर्ड करने के लिए, यहाँ पे डांस करने के लिए आए थे दोस्तों, वो सारा सीन यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया था दोस्तों इसी गार्डन पे। तो फाइनली दोस्तों आज मैंने आपको दिखाया गीत मूवी का सुनने को सुन, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये मूवी सुनने को सुन आपको पसंद आई होगी, और वीडियो भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और मुझे जरूर सपोर्ट करना दोस्तों। मुझे कैसे सपोर्ट करनी दोस्तों, वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे जरूर सपोर्ट करें दोस्तों। तो फिलहाल दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मूवी शूटिंग लोकेशन के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।